हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यूपी पीएससी अब लिख करके मैंने लिखा है कि आगामी परीक्षाएं जो जस्ट कंडक्ट होने को है उसमें संख्या पद्धति, वैसे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अंकीय क्षमता लिखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन वही है। तो आप कहीं ये नहीं सोचना कि मैं टॉपिक से उतर गया, जिसमें विभाज्य सेक्शन आप देख पा रहे हैं और विभाज्य में पहला हेडिंग भाग के लंबी विधि के तीन टाइप के प्रश्नों की मैंने चर्चा पिछले क्लास में किया। आज के इस तीसरे लेक्चर में घातांकीय भाग पर प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डिवीजन, एक सेक्शन महत्वपूर्ण सेक्शन, खासकर जब इसका तीसरा हेडिंग शेषफल प्रमेय के प्रश्न की बात करूंगा तो आपके परीक्षा के लिए खासा महत्वपूर्ण होगा। सेक्शन की शुरुआत करें उससे पहले मैंने सूत्र पर प्रश्न के तीन पॉइंट नोट किए हैं, इस तीनों पॉइंट को समझते चलिए। प्रश्न कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले पॉइंट को हम समझें। यहां पर लिखा है पहला पॉइंट में a पर घात n प्लस b पर घात n, मतलब घाते समान हो, जैसे a पर घात n है प्लस b पर घात n और इसमें n का नेचर क्या हो, विषम, तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a प्लस बी होगा। अब मेरे बात को समझिएगा, जैसे घाते समान हो और साथ ही साथ विषम भी हो, जैसे स्पष्टीकरण समझिए, a क्यूब प्लस b क्यूब हमने लिखा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब गुणनखंड प्रमेय से यदि इसका गुणनखंड देखें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अच्छा ध्यान देना, एक पर घात यन है प्लस बी पर घात यन, मतलब यन का नेचर विषम है, यन का नेचर क्या है, विषम, तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से डेफिनेट तौर पर ए प्लस बी होगा। मेरे कहने का मतलब यह है ए पर घात पांच और प्लस बी पर घात पांच कर दे तो भी a प्लस बी निश्चित रहेगा, बस यही चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से a पर घात सात प्लस बी पर घात सात कर दे तो भी a प्लस बी निश्चित रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब घात विषम हो तो एक गुणनखंड ये निश्चित होगा, बाकी ये चेंज होगा। अभी सेंस समझिएगा, a पर घात n माइनस b पर घात n में यदि n विषम हो जाए, मतलब घाते समान हो साथ ही साथ विषम हो, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको पढ़ेंगे a पर n माइनस b पर n, n क्या है, विषम, तो इसका गुणनखंड एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना, मतलब एक गुणनखंड निश्चित है, कौन सा, a माइनस बी। कहने का मतलब a पर घात 15 माइनस b पर घात 15 कर दें तो भी a माइनस बी वाला गुणनखंड निश्चित होगा, बस ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए a पर घात n माइनस b पर घात n में यदि n सम हो जाए, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब यहां पर दो के दोनों गुणनखंड निश्चित होंगे। कहने का मतलब a पर घात 4 माइनस b पर घात 4 कर दें तो भी ये दोनों निश्चित होगा, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जुड़ जाएगा, मतलब यहां पर a प्लस b निश्चित होगा, यहां पर a माइनस b निश्चित होगा, और जब a पर घात n माइनस b पर घात n में n सम हो जाए तो दोनों निश्चित होगा। वैसे एक बात समझिएगा, प्रश्न का सारा सेंस इसमें छिपा होता है, किसमें, एक गुणनखंड में। पहले आपको मतलब समझना होगा एक गुणनखंड का, तो आपको मैं बताना चाहूंगा एक गुणनखंड का शाब्दिक सेंस होता है से विभक्त होना। एक गुणनखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, से विभक्त होना। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं आपसे कह दूं कि 15 का एक गुणनखंड 3 है तो इसका मतलब 15 3 से विभक्त है। यदि मैं आपसे कह दूं कि 15 का एक गुणनखंड 5 है तो इसका मतलब 15 5 से विभक्त है। अच्छा ये तो नहीं सोच रहे हैं कि जब बीच में माइनस था तो हमने घात विषम भी लिया था और बीच में माइनस था तो घात सम भी लिया था,
लेकिन जब बीच में प्लस है तो हमने यन विषम तो बताया लेकिन सम तो बताया ही नहीं। तो आपको मैं बता दूं, ए पर घात यन प्लस बी पर घात यन में यदि यन सम हो जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में संख्या का गुणनखंड नहीं होता। अतः प्रश्न आपके इन्हीं तीन पॉइंट से ही पूछे जाते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, चलिए मैं इस पर बात करता हूं। अब सेंस समझिएगा, मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने प्रश्न यह लिखा कि 25 पर घात 11 है और प्लस 11 पर घात 11 है। अब मैंने आपसे पूछा कि ये निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा, निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा। अब चलिए मैं इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन मैंने लिखा है 2 से, बी ऑप्शन में हमने लिखा है 3 से, सी ऑप्शन में हमने लिखा है 9 से और डी ऑप्शन में हमने लिखा है उपर्युक्त सभी से। अच्छा बात समझिएगा, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि 35 किस संख्या से विभक्त होगा, तो आप कहते हैं 5 से या कहते हैं 7 से या फिर ये कहते हैं 5 और 7 दोनों से। कहने का मतलब कोई संख्या किससे विभक्त है ये तब पता चलता है जब उसका गुणनखंड पता हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 35 किससे कटेगा, तो आपने कहा 5 से, 7 से या दोनों से। मैं पूछूं कैसे, तो आप कहेंगे 35 के गुणनखंड 5 × 7 है, क्योंकि इसके दोनों गुणनखंड 5 और 7 है तो दोनों से कटेगा। तो जब ये पूछा जाए कि किस संख्या से सदैव विभक्त होगा, तो किससे विभक्त होगा ये तभी पता चलेगा जब इसका एक गुणनखंड पता होगा। तो चलिए आप तो देखिए 25 पर घात 11 मतलब 25 × 25 × 25 × 25 11 बार, और 11 पर घात 11 का मतलब 11 × 11 × 11 × 11 × 11 कितनी बार, 11 बार, और फिर दोनों को जोड़े और तब पता चले किससे कटेगा, तब तो जवाब जरूर आएगा लेकिन परीक्षा के बाद में, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। तो किससे विभक्त होगा आप ये पहले जान लीजिए कि इसका एक गुणनखंड क्या है। तो 25 को मान लीजिए ए और 11 को मान लीजिए बी, और ये घाते समान है इसको यन मान लीजिए। तो पढ़ेंगे ए पर घात यन प्लस बी पर घात यन, और इसमें यन विषम है मतलब 11 क्या है, विषम। और अभी आप देखें इसके पहले हमने बताया है कि ए पर घात यन हो प्लस बी पर घात यन जिसमें यन विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से क्या होगा, ए प्लस बी। अब मेरे बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब हम सीरीज को देखें, प्रश्न को जब देखेंगे तो ए पर घात यन प्लस बी पर घात यन है, तो जब इसको हल करिएगा तो सबसे पहले यह देखने का प्रयास करिए कि ऊपर की जो संख्या लिखी गई है उपर्युक्त संख्या, मैं आपसे ये कहूं कि उपर्युक्त संख्या का एक गुणनखंड क्या होगा, तो पहले पैटर्न पढ़िए। ए पर घात यन प्लस बी पर घात यन में यन विषम है तो इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। तो a का मान 25 और b का मान 11 है, तो 25 प्लस 11 बराबर 36 है। अतः जो ऊपर संख्या लिखा गया है, अतः ऊपर की लिखी गई संख्या 36 से विभक्त होगा। अतः उपर्युक्त संख्या किससे विभक्त होगा, 36 से। अच्छा एक बात समझिएगा, कौन सी संख्या 36 से कटेगा, 25 पर 11 की 11 पर 11। तो आपको मैं बता दूं कि पूरी संख्या ब्रैकेट की पूरी संख्या 36 से कटेगा। ब्रैकेट की पूरी संख्या मतलब 25 पर 11 प्लस 11 पर 11 इसका पूरा रिजल्टेंट 36 से कटेगा। मतलब ये होल नंबर भी डिवाइडेड बाय 36, जब ये पूरी संख्या 36 से कटेगा तो 36 से कटने वाली संख्या 2 से जरूर कटेगा। यदि ऊपर की यह संख्या 36 से कट रहा है तो प्रैक्टिकली सोचिए कोई भी संख्या जो 36 से कटेगा वो 2 से जरूर कटेगा, और यदि ये पूरी संख्या 36 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, और यदि ये पूरी संख्या 36 से कटेगा तो 9 से तो कटेगा ही। मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी से। बात समझेगा, आम तौर पर घाते समान ही दी जाती है,
आमतौर पर घाते क्या होती है, समान। लेकिन यदि ये घाते अलग अलग हो तो पहले घातों को बराबर करेंगे, क्योंकि जब तक घाते बराबर नहीं होगा तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि किससे विभक्त होगा। तो अब इस बात का ध्यान देना, घातों को बराबर करना। जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे हमने प्रश्न ये लिखा कि सात पर घात या तीन पर घात 41 प्लस सात पर घात 82। अब मैंने सवाल किया कि निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा, ऑप्शन मैंने लिखा 2 से, बी में लिखा 13 से, और सी में हमने लिखा ए और बी दोनों से, ए व बी दोनों से, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, एन ओ टी, नन ऑफ दीज। चलिए पहले देखें क्या घाते बराबर है, क्योंकि ये किससे विभक्त होगा ये तो तभी पता चलेगा जब इसका एक गुणनखंड पता होगा। कोई संख्या किससे विभक्त होगा ये हम तभी बता पाएंगे जब उस संख्या का हमें एक गुणनखंड पता हो। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि इसका एक गुणनखंड क्या है, तो सोल्यूशन ध्यान से समझिएगा। तीन पर घात 41 है और प्लस सात पर घात 82 है, अभी घाते समान नहीं है, और जब तक घाते समान नहीं होगी उसका गुणनखंड नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि घातों को बराबर करिए लेकिन इस प्रकार से कि इसका मूल्य भी न बदले। इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए क्या 41 को 82 घात बना सकते हैं, यदि बनाने को तो बना दे लेकिन तब इसका मूल्य बदल जाएगा, लेकिन 82 को 41 घात में बना सकते हैं क्योंकि हम 82 को 2 गुणा 41 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बेशक। अच्छा, घातांक का एक नियम आप जानते हैं, जैसे a पर घात m हो, ब्रैकेट बंद, उस पर घात n हो, घात पर घात लगा हो तो घातों का गुणा हो जाएगा, मतलब आधार तो a ही रहेगा, m का गुणा n में तो कितना हो जाएगा, m इंटू n, ये घातांक का नियम आप जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी घातों को बराबर करें, तो तीन पर 41 जैसा है वैसा ही लिखिए, लेकिन सात पर 82 है और 82 को 2 गुणा 41 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। जैसे 7 पर घात 82 है तो 7 पर 2 गुणा 41 लिख सकते हैं क्योंकि 41 दुना 82 के बराबर हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं 2 गुणा 41 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 2 गुणा 41 लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करना, ध्यान देना यहां पे ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि 7 पर घात 2 ब्रैकेट बंद उस पर 41, तो a पर घात m ब्रैकेट बंद n हो तो इन घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 का गुणा 41 में इसके बराबर ही हो जाएगा। अब देखिए यहां भी 41 घात दिख रहा है, वहां भी, बस एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 3 पर घात 41 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 49 पर घात कितना हो जाएगा, 41। अब देखिए घातें बराबर हो गई कि नहीं, अब 3 को मान लीजिए a और 49 को b और घातों को n मान लीजिए क्योंकि बराबर है, तो इसको पढ़ेंगे a पर घात n प्लस b पर घात n, और इसमें n विषम है, और अभी अभी आपने लिखा है कि a पर घात n प्लस b पर घात n में n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a प्लस b होगा। तो a का मान कितना है, 3, और प्लस b का मान 49, और ये जोड़ेंगे तो 52 है, अतः संख्या 52 से विभक्त होगा। कौन सी संख्या 52 से कटेगा, जो ऊपर आपने संख्या लिखा है, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट वाली संख्या 52 से कटेगी। अच्छा, कोई भी संख्या जो 52 से कटेगी वो 2 से जरूर कटेगी, ये पूरी संख्या जब 52 से कटेगी तो 2 से जरूर कटेगी, और यदि ये पूरी संख्या 52 से कट रहा है तो 13 से भी कटेगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों से, क्योंकि जो संख्या 52 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा और 13 से भी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब एक प्रश्न और देखिए, बहुत ही आसान सवाल होता है, बस इसका आपको गुणनखंड देखना है, बस हो गया, बाकी आप खुद ही देख लेंगे कि ये किससे विभक्त होगा। देखिए हमने लिखा है 7 पर घात 39 से 1 कम,
निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? हमने लिखा 8 से, बी में हमने लिखा 9 से, सी में लिखा 6 से और डी में हमने लिखा 13 से। चलिए सबसे पहले बात समझिएगा, 7 पर घात 39 से 1 कम, मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 39 बार गुणा करिए और उसके बाद एक कम कर दीजिए। कहने का मतलब देखिए, 7 पर घात 39 और इससे एक कम, मतलब ये संख्या किससे कटेगी? अब बात समझिएगा, ये संख्या किससे कटेगी ये तो हम तभी बता सकते हैं जब इसका एक गुणनखंड पता हो, और एक गुणनखंड हमें तभी पता होगा जब घाते समान हो। तो देखिए यहां पे घात 39 है तो यहां पर भी 39 लिख सकते हैं, क्योंकि एक का गुणा एक में 39 बार गुणा करें तो एक ही आएगा। अब देखिए घाते समान हो गई, इसको a माने और इसको b, और घातों को n माने, तो a पर घात n माइनस b पर घात n, और इसमें n विषम है, और आप जानते हैं a पर घात n और माइनस b पर घात n, इसमें यदि n विषम है तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से क्या होगा, a माइनस b। और एक गुणनखंड का मतलब क्या होता है, से विभक्त होना, मतलब बात समझिएगा, अब इस संख्या का एक गुणनखंड क्या होगा? यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या का एक गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे a माइनस बी, तो a का मान 7 माइनस b का मान 1 कितना है, 6 है, अतः संख्या 6 से निश्चित रूप से कटेगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चूंकि 8 से, इसमें कहा है सदैव किससे कटेगा, तो सदैव 6 से कटेगा, है ना, 8 से जरूरी नहीं कि हमेशा कटे, लेकिन 6 से हमेशा कटेगा, यह बात परम सत्य है। तो चलिए इस सेक्शन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, वैसे एक बात समझने का प्रयास करिएगा, मैंने इस पर भी प्रश्न करा दिया, इस पर भी कंफ्यूजन इस पर हो जाता है, किस पर, जब a पर घात n माइनस b पर घात n में n सम हो जाए, क्योंकि तब इसके दो गुणनखंड हो जाते हैं, और जब दो गुणनखंड हो तो दोनों से चेक करना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 35 किससे कटेगा, तो 35 का गुणनखंड 5 और 7 दोनों है, तो अब किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा, मतलब 5 और 7 दोनों से, तो क्या केवल एक से चेक करेंगे कि दोनों से, तो आपका जवाब होगा दोनों से। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो आप दोनों से चेक करना, गलती हम ये करते हैं केवल एक से ही चेक करते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना, आपको दोनों से चेक करना है जब ये दोनों गुणनखंड निश्चित हो जाए। तो चलिए मैं यहां से एक प्रश्न ले रहा हूं, हमने लिखा है कि 37 पर घात 80 माइनस 13 पर घात 80। अब हमने कहा कि ये निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभक्त होगा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं 2 से, बी में लिखा 3 से, सी में लिखा 5 से और डी में हमने लिखा सभी से। चलिए अब बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, 37 पर घात 80 माइनस 13 पर घात 80 है कि ये हमेशा किससे कटेगा। अब मेरे बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, 37 को a माने 13 को b माने और घात 80 है, मतलब ये घात सम है और बराबर भी है, और a पर घात n माइनस b पर घात n में n सम हो जाए तो इसके एक नहीं दोनों गुणनखंड स्पष्ट होंगे, a माइनस b और a प्लस b। तो हम लिख सकते हैं कि जो ऊपर की संख्या है उस उपर्युक्त संख्या के निम्न दो गुणनखंड होंगे, ये निम्न दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो 37 माइनस 13 24 हो जाएगा, 37 प्लस 13 कितना हो जाएगा 50। तो ऊपर की संख्या के दो गुणनखंड हैं, कौन कौन से, 24 और 50, इसका मतलब ऊपर की यह पूरी संख्या 24 से काटेंगे तो 24 से भी कट जाएगा, 50 से काटेंगे तो 50 से भी। तो बारी बारी से चेक करिए, चलिए पहले मैं 24 से चेक कर रहा हूं। अच्छा ये संख्या पूरी की पूरी संख्या, केवल ये नहीं बल्कि इसका रिजल्टेंट पूरी की पूरी संख्या 24 से कटेगी, और यदि यह संख्या 24 से कटेगी तो जो भी संख्या 24 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी,
और यदि यह संख्या 24 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी, और यह संख्या यदि 24 से कट रही है लेकिन 5 से नहीं कटेगी, 24 से कटने वाली संख्या 5 से नहीं कटेगी, तो कोई बात नहीं, अभी 50 भी बचा है, तो ऊपर की लिखी गई यह संख्या 50 से भी कटेगी, मतलब इसमें यदि 50 से भाग करेंगे तो भी कटेगी, और यदि यह 50 से कटेगी तो 5 से भी कटेगी, ऑप्शन हो जाएगा सभी से। अब आप ये कहेंगे 24 तो 5 से नहीं कट रहा है, अब ये कटे या ना कटे हमें इसमें थोड़ी ही भाग देना है, हमें तो संख्या में भाग देना है, संख्या तो 50 से कट रही है ना। अच्छा एक बात समझिएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं उपर्युक्त संख्या 24 से तथा 50 से तथा 24 और 50 के सभी गुणनखंड से कटेगा, सभी मतलब कॉमन से नहीं, जैसे बात समझिएगा 24 और 50, तो 24 का गुणनखंड 2 दुना 4 दुना 8 त्रिक 24 होता है, और 50 का 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, तो ये नहीं कहना कि कॉमन केवल 2 है तो केवल 2 से कटेगा, कॉमन नहीं बल्कि सभी गुणनखंड से, तो 24 और 50 के सभी गुणनखंड में 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा। कभी कभी ये कहते हैं कि क्या इसके गुणनफल से भी कट जाएगा, तो गुणनफल से नहीं लेकिन लसा से जरूर कह सकते हैं, जैसे 24 से 50 से तथा 24 और 50 का लसा 600 आएगा, मतलब ये पूरी संख्या 600 से भी कट जाएगी, और यदि ये पूरी संख्या 600 से कटेगी तो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, है ना। चूंकि गुणनफल से जरूरी नहीं कि हमेशा कटे, लेकिन लसा से हमेशा कटेगा ये परम सत्य है। तो इस सेक्शन को आपने देखा बहुत ही आसान सेक्शन था। अब चलिए घातांकी भाग के प्रश्न के अंतर्गत मैं दूसरा एक हेडिंग ले रहा हूं, बहुत छोटा हेडिंग है और लगभग प्रश्न पैटर्न ऐसा ही होता है, बस थोड़े से सेंस चेंज होते हैं, उस सेंस को हम समझेंगे अभी। दूसरा हमने लिखा है घातांकी योग के भाग पर प्रश्न। चलिए एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, चलिए यहां पर देखें, हमने लिखा है संख्या 3 पर घात 41 प्लस 3 पर 42 प्लस 3 पर 43 प्लस 3 पर 44, ये निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभक्त होगा, और किससे विभक्त होगा ये तो हम तभी बता पाएंगे जब इस पूरे संख्या का हमें कम से कम एक गुणनखंड पता हो। तो चलिए सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऊपर की लिखी गई संख्या का गुणनखंड है क्या। तो पहले आप ध्यान से देखें, इसके चारों पद में आपको कुछ न कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 पर घात 41, हमेशा छोटी घात सब में कॉमन होती है, क्योंकि 41 में तो 41 है ही, 42 में भी 41 होगा, 43 है तो 41 होगा ही, 44 में भी 41 होगा, तो 3 पर घात 41 कॉमन है। और हम सभी जानते हैं कि जिस राशि को कॉमन लिया जाता है दिए गए सभी पदों में उसी राशि से भाग देते हैं, जिस राशि को कॉमन लिया जाता है दिए गए सभी पदों में उसी राशि से भाग दिया जाता है, क्योंकि जो कॉमन होता है वो सबको विभक्त करता है। तो चलिए हम सब में भाग दें, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, किससे भाग दें, जो कॉमन लिया है उससे। तो चलिए 3 पर घात 41 में यदि 3 पर घात 41 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, क्योंकि किसी संख्या में यदि उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 1 आता है। अब 3 पर घात 42 में भी भाग देना, 3 पर घात 42 में भी भाग देना, किससे,
तीन पर घात 41 से, तो तीन पर घात 42 का मतलब हुआ तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन कितनी बार, 42 बार, और बटे तीन पर घात 41 का मतलब तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन कितनी बार, 41 बार। तो ऊपर 42 बार तीन है और नीचे 41 बार तीन है, तो 41 बार तीन कट जाएगा, वही एक बार बचेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जैसे तीन तीन 42 बार है और यहां भाग देना है तीन तीन 41 बार से, तो 42 बार में 41 बार घट जाएगा, घट जाएगा मतलब कट जाएगा, मतलब 42 बार तीन में से 41 बार तीन कट गया और 42 बार में 41 बार कट गया, तो तीन कितनी बार बचा। मतलब भाग देते समय आधार समान हो तो घाते घट जाती है। तो चलिए बात समझिए, तीन पर 42 में तीन पर 41 से भाग करेंगे तो तीन कितनी बार आएगा, एक बार। अब देखिए तीन पर घात 43 में तीन पर घात 41 से भाग करें तो यहां 43 बार तीन होगा, यहां 41 बार, तो 43 बार तीन में से 41 बार तीन घट जाएगा मतलब दो बार बचेगा। और यहां तीन तीन 44 बार है और तीन पर 41 से भाग करेंगे तो 44 बार तीन में से 41 बार तीन कट जाएगा, तो तीन कितनी बार आएगा, तीन बार। बस इसी को आगे बढ़ाइए, तीन पर घात 41 है और एक और प्लस तीन पर घात एक का मतलब तीन, तीन का स्क्वायर मतलब नौ और तीन का क्यूब मतलब तीन गुणा तीन गुणा तीन मतलब 27। अब मेरे बात को समझिएगा, तीन पर घात 41 है जोड़ेंगे तो 27 तीन 30 नौ 39 और एक 40। तो ये जो है तीन पर घात 41 गुणा 40, ये संख्या के गुणनखंड है। किस संख्या के गुणनखंड है, जो ऊपर लिखी गई संख्या है उसके। तो ये जो है ऊपर की लिखी गई संख्या के क्या है, गुणनखंड। अच्छा मेरे बात को समझिएगा, जैसे मैं कह दूं कि 35 का गुणनखंड 5 और 7 है तो इसका मतलब 35 5 से भी कटेगा, 35 7 से भी कटेगा, मतलब 35 दोनों से कटेगा। जैसे 35 5 से कटेगा तो कितनी बार में, 7 बार में, और 35 7 से कटेगा तो 5 बार में। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों इस पूरे संख्या के गुणनखंड है। मतलब ये संख्या 40 से भी कट जाएगा 3 पर 41 बार में और ये पूरी संख्या 3 पर 41 से भी कट जाएगा 40 बार में, मतलब दोनों से ये कटेगा। तो आपको दोनों से चेक करना है, किसी एक से नहीं। चलिए पहले मैं 40 से चेक कर रहा हूं, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 40 से जरूर कटेगी और जब ये पूरी की पूरी संख्या 40 से कटेगी तो 2 से भी कटेगी, और यदि ये पूरी संख्या 40 से कटेगी तो 5 से भी कटेगी, क्योंकि 40 से कटने वाली संख्या 5 से भी कटती है। लेकिन ये पूरी संख्या 40 से कटेगी तो 9 से तो नहीं कटेगी, 40 से कटने वाली संख्या 9 से नहीं कटता। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इस पर चेक करें, मतलब ये पूरी संख्या 9 से कटेगा कि नहीं, ये बात विचार रखना। अच्छा 9 में 3 कितनी बार होगा, 2 बार, लेकिन यहां 3 कितनी बार है, 41 बार। तो जब 3 41 बार है तो 2 बार तो जरूर होगा, चाहे तो ऐसा लिख दीजिए 3 पर गुणा 2 और 3 पर घात, सॉरी 3 पर घात 2 गुणा 3 पर 39, क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो ये घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 39 कितना हो गया। मेरे बात को समझिएगा, 3 3 41 बार है तो हमने 3 3 2 बार अलग कर दिया, 39 बार अलग कर दिया, मतलब इसमें 3 का स्क्वायर भी है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब ये पूरी संख्या 9 से भी कटेगी, ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छा यदि यहां 27 लिखा होता तो 27 से भी कट जाता, क्यों, तब मैं 3 3 3 बार अलग कर देता और 38 बार अलग कर देता, तो 3 पर घात 3 मतलब 27 हो जाता और तब भी कट जाता। तो बात समझिएगा, किसी एक से विचार नहीं करना है, आपको दोनों पर विचार करने। तो इसका जो प्रश्न होता है बहुत आसान होता है, बस आपको किससे कटेगा गुणनखंड ही निकालना है, और मैंने इसको बारीकी से बता दिया। कोई डाउट हो तो एक बार फिर से प्ले कर लीजिएगा। फिलहाल आज की क्लास बस इतना ही, इसका तीसरा हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा शेषफल प्रमेय पर, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे लेकर आऊंगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।